ये देखो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। मजाक कर रही है भगवान जी के साथ? ये गुड़ कूट के डाल दिया मैंने, मैंने अरख दे ली है। आज मॉर्निंग में ये ना मम्मी गाजर और मूली दोनों को छीलने के लिए बैठे हैं, क्योंकि मम्मी जी बनाएंगे उसका अचार। दिखाती हूँ मैं आपको, मम्मी ने तैयारी कर रखी है। ये यहाँ पे मम्मी जी लेके आए थे मार्केट से, और यहाँ पे दोनों को धो के, गाजर मूली दोनों को धो के अलग अलग कटिंग कर रहे हैं, और जिनमें लकड़ी ज़्यादा है वाइट वाली तो उसको हटा भी रहे साथ के साथ में। अब देखो कैसे डालते हैं मम्मी जी अचार, मैंने तो देखा नहीं है अचार डालते हैं। मम्मी करते हैं, पूरा प्रोसेस मम्मी का ही रहता है। मॉर्निंग का ही टाइम है, मम्मी जल्दी ही जाके लेके आए थे ये सब, क्योंकि सुबह सुबह एकदम फ्रेश वगैरह मिल, फ्रेश फ्रेश मिलती है। मोस्टली तो मम्मी ने काट ली, थोड़ी बहुत बची जो मम्मी जी काट लेंगे, और जब इसका अचार बनेगा ना। और ये देखो ये आंवला कैंडी मम्मी ने बनाई थी, पूरा इसके अंदर काफ़ी सारा चाशनी, काफ़ी सारी चाशनी की थी, सारी इसने सोख कर ली है। सूखेगी ना तब टेस्टी लगेगी, पूरी चाशनी इसने सोख कर ली है आंवला ने, फिर सूखने के बाद खाएंगे तब बड़ी यम्मी लगेगी, टेस्टी टेस्टी। कितनी सारी यही। आज है संकट चतुर्थी का व्रत, और मैंने फास्ट किया है आज का। अब आई हूँ मैं मेरे रूम में, और पता है जो लोग कंबल ओढ़ते हैं तो उनके कवर आजकल जिप वाले आते हैं, लेकिन मुझे है ना ये जो वाइट वाला होता है ना ये ही अच्छा लगता है। इसको धो के इसमें हल्के हल्के नील लगाते हैं ना, उसकी खुशबू रहती है वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं ओनली ये वाइट कवर वाले। काम हो चुका है, धागे वगैरह मैंने रजाइयों के लगा दिए, दोनों रजाइयों के, और ये वाली ड्रेस मैं वेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं करनी परिधान। ओह कैसी हो गई ये करनी परिधान, इसको मैंने चौथ के फास्ट के लिए ही तैयार किया था, कब से रखी हुई थी, आज इसका उद्घाटन कर दूँगी, एकदम न्यू है। और ये देखो मम्मी सामान लाए, ये मेथी, सौंफ, और ये कलौंजी है क्या, कलौंजी, ये सब सामान लाएं, अच्छे से पानी सूख जाए उसका, इसलिए मम्मी ने वहाँ पर टांग दिया इसको। मम्मी छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं, अब मैं नहा के आती हूँ, जब तक क्या पता मम्मी बना लें, तो अंदर जाके मम्मी कुछ सेक रहे हैं। मम्मी ने अचार डाल दिया, अभी पूरा नहीं बनाया, ये कट पीस मैंने आपको दिखाए थे कटे हुए, और अभी सूख चुके, और इसमें ये कलौंजी, सौंफ, मेथी, हल्दी। मम्मी नमक डाल दी, मैं नमक नहीं डाला है इसमें अभी, थोड़ी देर बाद में डालेंगे क्योंकि उसको थोड़ा सा सूख होने दो, उसके बाद में मम्मी इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगी हाथ से, फिर थोड़ा रख देंगी, फिर इसके बाद का जो प्रोसेस होगा हम आपसे शेयर करेंगे। और अभी चल रहा है इसका, मम्मी हल्दी डाल ली और सब डाल दिए मिर्च वो मसाला वगैरह, इसमें भी मम्मी ने है ना ये वाले सारे मसाले डाल दिए, मम्मी इसको मिक्स कर रहे हैं, अब बाद में क्या। ये देखो रोले नहीं रहता मम्मी, अभी का मायने कहीं डालना है, कहीं खोलना, कुछ भी खोलना, मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं, मिर्च बाद में पछी, मिर्च नहीं अभी, इन्हें कितनी देर तक रखो, ये 2 दिन, 2 दिन ही रखो, मिर्ची और नमक तभी डालेंगे, नमक तभी डालेगा। हाँ तो
तो मिर्ची बाद में लस्सी बेटा तेल अच्छा, नमक पहले डालेगा अच्छा, फिर मिर्ची बाद में तेल में। इसको मम्मी दो दिन तक रखने के बाद में फिर बाद में मिर्ची नमक और तेल करेंगे, जब तक लिए दो दिन ये रेस्ट करेगी आराम से, अच्छे से मिक्स हो जाएगा सर अच्छे से मसाला। मम्मी में भाई बहुत फुर्ती है, मैंने कहा था मेरे को आने देना नहा, मैंने मम्मी को कहा था कि मैं नहा के फ्री हो जाऊँ उसके बाद में। ये एक तो नया ओढ़ना है ना, बड़ा परेशान करता है भाई रे। मैंने मम्मी को कहा था मम्मी मैं नहा धो के आ जाऊँ उसके बाद में आप है ना अचार डालना और मुझे अच्छे से क्लियर बता देना। और मम्मी मैं तो तैयार नहा के आ गई और तैयार हो रही हूँ, थोड़ी बहुत ये सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ, मम्मी ने डाल डूल के आधा तैयार भी कर दिया है। लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया अभी तक का, मम्मी ने अभी ये जो सूखे मसाले डाले अभी तक, तो फिर बाद में मम्मी बाद में दो दिन बाद में इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसके बाद के मिर्च और नमक तेल ये सब करेंगे, तो मैं आपको शेयर करूँगी। ये नए ओढ़ने के साथ तो भाई बात में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना परेशान करता है, पिसल पिसल के जाता है, और कहीं जाना हो ना तो शान ले ले ये ओढ़ना। मेरी बातों में एक जरूरी काम तो मैं भूल ही गई, ध्यान ही नहीं दिया। अब जब पूजा की तैयारी करूँ अब याद है मेहंदी तो लगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ आज तक मैं। क्या कैसे मेरा बुढ़ापा निकलेगा, कैसा मेरा ये टाइम निकलेगा, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं मैंने इसको रिमूव कर दिया है, ये वाली मेहंदी थी वो, ये वाली मेहंदी, और देखो इंस्टेंट कलर आया है इसका। मतलब आप जल्दीबाजी में अगर कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, इंस्टेंट मेहंदी लगानी है फटाफट, ज़्यादा झंझट नहीं रखनी है, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं करती है, जैसे एलर्जी वगैरह की दिक्कत होती है, तो प्लीज़ अवॉइड करें इसको। मेरे को तो अभी के लिए फ़िलहाल तो मम्मी के डांट से बच गई मैं। पूजा की तैयारी मैंने कर ली है पूरी, पूरी तैयारी हो गई है, और दोनों हाथों पे वो कलर वाली मेहंदी रच चुकी है। अगर नहीं लगाती ना मैं मेहंदी, तो सही में अगर मम्मी देखते ना तो गुस्सा करते, कितनी बड़ी बड़ी हो गई तो क्या कर रहे है कैंडी चोर ये है ना, ऐसा कैंडी चोर हुआ है, भरा हुआ था पूरा वो जार, लेकिन पूरी कैंडिया किसी ने फिनिश करी पता है। हाँ वो मुंह थोड़ा ना दिखाएगा, मुझे इधर उधर छुपता फिरेगा। तो मेरी पूजा होगी, हर सुबह स्कूल से आ चुका, इसने खाना फ्री कर लिया, मैंने भी सहकार वगैरह कर लिया। अब लूंगी मैं मेरी टैबलेट, क्योंकि भूखे पेट वाली तो मैंने मॉर्निंग में ले ली थी, और एक कुछ खाने के बाद में थी टैबलेट, तो मैं अब लूँगी। 4 बज गई है, अब टैबलेट लेने के बाद में अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, मिलेंगे आपको शाम को कैंडी चोर के साथ, मिलेंगे शाम को अपन। इसी के लिए बनाइए इसके साथ खूब सारी कैंडियाँ। चांद बच्चा ये बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी बहुत सेवा करता है ये। और जब इसमें ये डाल दिए घी में, अब अच्छे से थोड़ा सा ये चांद निकला है, मैंने सारा काम फ्री कर लिया, भगवान चांद को अर्घ दे लिया,
और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। आप सभी को संकट चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय माँ करनी।